राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधिरंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद से बवाल जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद आज संसद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां सोनिया गांधी से माफी की मांग की, तो वहीं कांग्रेस के सांसद भी जमकर हमला करने लगे। इन सब के बीच विवाद उस समय और बढ़ गया जब सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। सूत्रों के अनुसार सोनिया ने स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी। सोनिया ने इतना कहते ही स्मृति भी गुस्से में लाल हो गई और दोनों ओर से खूब बहस होने लगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भाजपा के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो सोनिया गांधी बाहर जा रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास आई और कहा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, अधीर रंजन चौधरी ने तो माफी मांग ली है। इस बीच रमा देवी के पास खड़ी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कहा कि मैम, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। इस पर सोनिया भड़क गई और स्मृति को डांट लगाते हुए कहा कि डोंट टॉक टू मी। इसके बाद स्मृति और सोनिया के बीच तीखी बहस हो गई। ये बहस 2 से 3 मिनट तक चली। वहीं इससे पहले स्मृति ईरानी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में यह संस्कार और मूल्य विहीन एवं संविधान की चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस और उनके नेताओं को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनी है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा। कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जो कि एक शर्मनाक बयान है। ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। तब से कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने यह घृणित कार्य किया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि देश और दुनिया जानती है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी और महिला विरोधी, लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी और गरीब परिवार की महिला इस प्रकार अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना है। पक्ष और विपक्ष का राष्ट्रपति के लिए बयान जारी है। देश और दुनिया के लिए देखते रहिए नजर टुडे।